सो गाइस, जैसा कि हमने सीजन 2 के एपिसोड 4 में देखा कि जैक्सन फायरस्टॉर्म का नया हिस्सा बन गया था और वो पीटर पार्कर जाने के लिए निकल गए थे। वहीं बेरी और स्ट्रीट पर शार्क मैन यानी कि किंग शार्क ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी अर्थ 2 के हैरिसन वेल्स ने उन्हें बचा लिया था। वहीं अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में अर्थ 2 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हैरिसन वेल्स ने 8 महीने पहले लोगों के लिए गैजेट लॉन्च किया था जिसकी मदद से मेटा ह्यूमन की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। सभी इस लॉन्च से बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ जे गेरी यानी कि अर्थ 2 का फ्लैश आ जाता है, जो हैरिसन को कहता है कि लोगों को सच बताओ कि पिछले 2 सालों से मेटा ह्यूमन जो इस शहर पर अटैक कर रहे हैं वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुमने इस जूम को बनाया है। जैसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि अर्थ 2 के हैरिसन ने भी कणक विस्फोट किया था जिसकी वजह से लोग मेटा ह्यूमन में बदल गए थे, लेकिन हैरिसन अपनी गलती नहीं मानता और वो जे को कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तो जे उसे कहता है कि अपनी गलती मान लो जिससे तुम जूम को पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि तुम एक सुपर हीरो हो, इसीलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जूम से हम सभी को सेव रखो और उसे खत्म कर दो। तो जे वहाँ से चला जाता है, लेकिन इससे हैरिसन को पता चल जाता है कि उसका डिवाइस काम कर रहा है। और वहीं हमें पता चलता है कि हैरिसन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम जेसी वेल्स होता है। फिर सीन अर्थ 1 के प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ बेरी अर्थ 2 के हैरिसन वेल्स को सिस्को और केलिन से मिलवाता है। सिस्को और केलिन हैरिसन को देखकर काफी हैरान होते हैं। सिस्को अर्थ 2 के हैरिसन वेल्स को कहता है कि तुम उस हैरिसन वेल्स की तरह दिखते हो जिसने बेरी की माँ का कत्ल किया और रोनी और एडी को हमसे छीन लिया। तो हैरिसन उन्हें कहता है कि मैं वो हैरिसन नहीं हूँ जिसने तुम्हारे अपनों की जान ली। तो बेरी उसे कहता है कि हम कैसे मान ले कि तुम अर्थ 2 के हैरिसन वेल्स हो। तो हैरिसन उन्हें वो डिवाइस दिखाता है जो मार्टिन ने स्टेबल वॉर मॉल में फेंक दिया था। सिस्को बेरी से कहता है कि हम उसकी बात क्यों सुन रहे हैं और हमें कैसे पता कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। तो बेरी उसे बताता है कि उसने कल रात मेरी जान बचाई थी। फिर बेरी हैरिसन से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो हैरिसन उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी जूम को रोकने में मदद करने आया हूँ। बेरी उसे बताता है कि जूम तुम्हारी दुनिया से मुझे मारने के लिए मेटा ह्यूमन भेज रहा है और तुम जूम के बारे में क्या जानते हो। तो हैरिसन उसे कहता है कि मैं जूम के बारे में सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मेरे कणक विस्फोट करने की वजह से ही जूम क्रिएट हुआ था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार दूंगा और उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि जूम मल्टीवर्स का इकलौता स्पीस्टर बनना चाहता है, इसीलिए हमें उसे रोकना ही होगा वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। तभी वहाँ जो आ जाते हैं जो हैरिसन को जिंदा देख उस पर फायर कर देते हैं, लेकिन बेरी अपनी स्पीड की मदद से हैरिसन को बचा लेता है। जो ये बहुत परेशान हो जाते हैं कि हैरिसन अभी तक कैसे जिंदा है। तो बेरी उन्हें शांत करता है और उन्हें समझाता है कि ये हमारी दुनिया का हैरिसन वेल्स नहीं है क्योंकि उसका तो एडी ने अस्तित्व ही मिटा दिया था और ये अर्थ 2 का हैरिसन वेल्स है जो यहाँ जूम को मारने में मदद करने आया है। तो जोए उसे बताते हैं कि किशिना ने मुझे बताया था कि उसने हैरिसन को मर्क्यूरी लैब में देखा था और वहाँ कुछ चुराने आया था। तो बेरी उन्हें कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जोए उसे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि हैरिसन वेल्स जिंदा हो सकता है। फिर जोए वहाँ से चले जाते हैं और वो सेंडा सिटी पिक्चर न्यूज में आयरिस से बात करने जाते हैं, जहाँ आयरिस को बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ अर्थ 2 के हैरिसन वेल्स के बारे में उसे सब कुछ बताते हैं। फिर वो आयरिस को एक गन देते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो आयरिस भी जोए के कहने पर वो गन रख लेती है। वहीं सिस्को और बेरी कॉफी शॉप में जाते हैं, जहाँ सिस्को अभी भी अर्थ 2 के हैरिसन वेल्स को लेकर काफी परेशान होता है। तो बेरी उसे कहता है कि वो कोई स्पीस्टर नहीं है बल्कि वो एक आम आदमी है जो दूसरी दुनिया से आया है। तो सिस्को बेरी को कहता है कि हमें उसे हैरिसन नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इससे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए अब हम उसे हैरी कहकर बुलाएंगे। तभी सिस्को को अपने मेटा ह्यूमन होने की वजह से वाइब्स आने लगती है और वो देखता है कि सेंडल सिटी बैंक में कोई मेटा ह्यूमन रोबरी कर रहा है। तो सिस्को इस बारे में बेरी को बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी सेंडल सिटी बैंक की तरफ निकलना होगा। तो बेरी फौरन सेंडल सिटी बैंक में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर लाइट नाम की मेटा ह्यूमन रोबरी कर रही होती है। वो फ्लैश को देखते ही उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बेरी उसके वार से बच जाता है और डॉक्टर लाइट अचानक अपनी पावर से वहां से गायब हो जाती है। फिर बेरी जब स्टार लैब आता है तो वहाँ हैरी उन्हें बताता है कि उस मेटा ह्यूमन का नाम डॉक्टर लाइट है जो स्टार लैब से पावर मिलने के बाद मेटा ह्यूमन में बदल गई थी और वो अपनी पावर से 5300 डिग्री केल्विन तक की लाइट से अटैक कर सकती है जो बहुत ही खतरनाक है। तो बेरी उन्हें कहता है कि जूम ने उसे मुझे यहाँ मारने के लिए अर्थ 2 से भेजा है। तो हैरी उसे कहता है कि हमें डॉक्टर लाइट को पकड़ना ही होगा जिससे हम जूम को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वहाँ जे आ जाता है और वो हैरिसन से नफरत करता था, इसीलिए उसे कहता है कि तुम पागल हो, हम जूम को लालच नहीं दे सकते। तो हैरी जैसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि हमारी दुनिया का फ्लैश मर चुका है, लेकिन तुम तो यहाँ दूसरे यूनिवर्स में छिपे हुए हो।
तो जे उसे कहता है कि मैं छिप नहीं रहा हूँ, बल्कि सिंगुलैरिटी की वजह से मैं यहाँ आ गया था और जुम ने मेरी स्पीड छीन ली। तो हैरी उसे कहता है कि तुम्हारे ना होने की वजह से जुम और ताकतवर होता जा रहा है, इसलिए बेरी को अभी उसे हराना होगा। तो जे उसे कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि जुम ने डॉक्टर लाइट को यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि डॉक्टर लाइट एक चोर है न कि कोई किलर। तो हैरी उसे कहता है कि जुम लोगों को बुरे काम करवाने के लिए मजबूर कर सकता है, इसीलिए वो यहाँ बेरी को मारने आई है। तो बेरी उन्हें कहता है कि पहले हमें डॉक्टर लाइट को पकड़ना होगा। फिर बेरी सिस्को से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डॉक्टर लाइट सेंट्रल बैंक में रोबरी कर रही है। तो सिस्को से झूठ बोल देता है कि मुझे मेरे फोन में अलर्ट मिला था। फिर वो बेरी को बताता है कि हमें स्टार लैब के सैटेलाइट की सोलर रेडिएशन की मदद से डॉक्टर लाइट का पता लगा सकते हैं। फिर बेरी सीसीपीडी जाने के लिए निकल जाता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो स्पीड से मिलता है, जहाँ वो स्पीड को कल रात डिनर पर चलने को कहता है, तो स्पीड भी मान जाती है। बेरी इससे बहुत खुश होता है। वही हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है कि हैरी अर्थ वन के हैरिसन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि तभी सिस्को वहाँ आ जाता है और हैरी उसे बताता है कि मुझ में और अर्थ वन के हैरिसन में बहुत बातें अलग है, लेकिन हम दोनों में एक बात कॉमन है कि मैंने कणक विस्फोट के साथ जो गलती की थी वही अर्थ वन के हैरिसन वेल्स ने भी की थी। तो सिस्को से कहता है कि हैरिसन ने बहुत गलत काम किए थे। तो हैरी उससे पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि तुम मुझसे कभी नजरें मिलाकर बात नहीं करते हो। तो सिस्को से बताता है कि उसने अपने हाथ को मेरे सीने के आर पार निकाल दिया था, जिससे मेरी डेथ हो गई थी, लेकिन बेरी ने उस टाइमलाइन को मिटा दिया था जिससे मेरी जान बच गई। फिर हैरी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन हमें साथ में काम करना होगा जिससे ही हम जुम और डॉक्टर लाइट को रोक सकते हैं। लेकिन सिस्को उनकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। हैरी को अपने मेटा ह्यूमन डिटेक्टर गैजेट से पता चल जाता है कि सिस्को भी एक मेटा ह्यूमन है। वहीं केलिन सिस्को और जे को बताती है कि सेंडा सिटी बैंक का साइलेंट अलार्म बंद हो गया है, इससे उन्हें लगता है कि डॉक्टर लाइट वहाँ हो सकती है। तो बेरी फौरन बैंक में पहुँच जाता है। बेरी डॉक्टर लाइट को कहता है कि मैं जानता हूँ कि जुम ने तुम्हें मुझे यहाँ खत्म करने के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और मेरे दोस्त तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर लाइट उसे कहती है कि जुम से मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो लुमेन से उस पर अटैक करने लगती है, तो बेरी उसे शांत करता है। और जब वो अपना मास्क हटाती है तो बेरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लिंडा पार्कर है। तो डॉक्टर लाइट उसे कहती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, और वो फ्लैश पर अटैक कर देती है जिससे बेरी को दिखाई देना बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। केलिन जब बेरी का टेस्ट करती है तो उसे बताती है कि तुम्हारा रेटिना बहुत डैमेज हो चुका है, लेकिन तुम अंधे नहीं हुए हो और 6.5 घंटे बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हैरी बेरी से कहता है कि तुम इतने तेज हो, फिर भी डॉक्टर लाइट ने तुम पर हमला कैसे कर दिया। तो बेरी उसे बताता है कि वो बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा की तरह दिखती है। तो हैरी उसे कहता है कि इसलिए जुम ने उसे तुम्हें यहाँ मारने के लिए भेजा है, ताकि तुम उसे मारने में संकोच करो। फिर बेरी सभी को कहता है कि मुझे लिंडा की फिक्र हो रही है, क्योंकि जब डॉक्टर लाइट ने अपना मास्क उतारा था तो मैंने उसका नाम लिंडा पार्कर ले लिया था, इसीलिए वो लिंडा को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हमें लिंडा पर नजर रखनी होगी। फिर जे और केलिन लिंडा पर नजर रखने चले जाते हैं, तभी आयरिस भी वहाँ आ जाती है और वो हैरिसन को देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो बिल्कुल अर्थ वन के हैरिसन वेल्स की तरह नजर आ रहा था। तभी बेरी को स्पीड का मैसेज आता है, तो बेरी आयरिस को बताता है कि आज हमारी पहली डेट है। तो आयरिस भी इससे खुश होती है, लेकिन बेरी उसे कहता है कि मुझे डेट को कैंसिल करना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आयरिस उसे कहती है कि सिस्को तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी ग्लासेस पहनकर डेट पर जाता है, ताकि स्पीड को पता न चले कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उन ग्लासेस में कैमरे लगे हुए थे जिसकी मदद से सिस्को बेरी को सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन स्पीड को पता चल जाता है और वो बेरी को बताती है कि मुझे पता है कि तुम देख नहीं सकते हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं हमारी डेट मिस नहीं करना चाहता था। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं हमें केलिन और जे को दिखाया जाता है जो सेंडल सिटी पीछे न्यूज के बाहर लिंडा पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर लाइट उन पर अटैक कर देती है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और वो लिंडा को खत्म करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ सभी को वहाँ से भागने को कहती है, लेकिन वो लिंडा को वहीं रुकने को कहती है। तो आयरिस उसे कहती है कि ये भी हमारे साथ जाएगी। लिंडा उसे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो डॉक्टर लाइट उसे कहती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हारी जगह लेकर जिंदा रह सकूँ। तभी वहाँ पिक्चर न्यूज के बॉस लिंडा को बचाने के लिए डॉक्टर लाइट पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर लाइट उन पर ही अटैक करके उन्हें मार देती है। ये देखकर आयरिस जोए की दी हुई गन से डॉक्टर लाइट पर अटैक कर देती है, जिससे उसके फेस पर लगा हुआ मास्क
खुल जाता है। लिंडा ये देखकर काफी हैरान होती है कि वो बिल्कुल उसकी ही तरह दिखती है। तभी वहाँ के एलियन और जे भी आ जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर लाइट सभी पर अटैक करके वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं स्पीड और बेरी वापस लौट रहे होते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी बेरी को सब दिखाई देने लग जाता है, लेकिन तभी उन्हें जोए का कॉल आ जाता है और उन्हें बताते हैं कि सेंडर सिटी पिक्चर न्यूज में हमला हुआ है। तो फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। लिंडा काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी वजह से उसके बॉस की मौत हो गई थी। तो जोए उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम कैसे भी करके उसे पकड़ लेंगे। बेरी को वहाँ डॉक्टर लाइट का मास्क मिलता है। वहीं स्टार लैब में हैरी जे को कहता है कि तुम 2 सालों से जूम को नहीं रोक सके, लेकिन बेरी उसे रोक सकता है। तो जे उसे कहता है कि मैंने जूम का 2 सालों से पीछा किया है और उसने मुझे लगभग मार ही दिया था और बेरी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो बेरी उन्हें शांत करता है। फिर हैरी बेरी से अकेले में बात करता है और उसे कहता है कि मैंने पूरी गणना की है कि तुम कितनी तेजी से दौड़ सकते हो। तो बेरी उसे कहता है कि पहले हमें डॉक्टर लाइट को पकड़ना चाहिए और हमें उसका मास्क मिला है, लेकिन उससे कोई सबूत नहीं मिला। फिर बेरी उसे वो मास्क दिखाता है। तो हैरी सभी को कहता है कि सिस्को इस मास्क की मदद से डॉक्टर लाइट का पता लगा सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। फिर हैरी जैसे ही अपनी मेटा ह्यूमन डिटेक्टर वॉच को सिस्को के पास लेकर जाता है तो रेड सिग्नल देने लगती है। सभी इससे बहुत हैरान होते हैं और बेरी सिस्को से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। तो सिस्को सभी को कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि ओबोट ने कहा था कि मेरी पावर उसका दिया हुआ एक वरदान है, इसीलिए मुझे लगता था कि मैं भी इविल बन जाऊंगा। तो केलिन उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी इविल बनेगा क्योंकि हमारी शक्तियाँ एक वरदान है। तो सिस्को से कहता है कि तुम सही कह रही हो, इसीलिए तुम सब मुझे माफ कर दो। तो हैरी उसे कहता है कि तुम सॉरी बाद में कहना, पहले डॉक्टर लाइट का पता लगाओ। और वो जैसे ही उस मास्क को सिस्को से टच करता है तो सिस्को को विजन आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि डॉक्टर लाइट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर है। तो बेरी जब वहाँ पहुँचता है तो उसे डॉक्टर लाइट नजर आ जाती है और वो सभी लोगों को वहाँ से भागने को कहता है। डॉक्टर लाइट उस पर अटैक करने लगती है तो बेरी वहाँ छिप जाता है और वो सिस्को से पूछता है कि मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। तो हैरी उसे कहता है कि तुम्हें अपनी स्पीड की मदद से अपने बहुत सारे क्लोन बनाने होंगे जिससे तुम उसे कंफ्यूज कर सकते हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं इतनी तेज कभी नहीं दौड़ा। तो हैरी उसे कहता है कि अगर तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो तो तुम बहुत फास्ट हो। फिर बेरी अपनी फुल स्पीड में अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है जिससे डॉक्टर लाइट कंफ्यूज हो जाती है और बेरी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर लाइट को पाइपलाइन में बंद कर देते हैं। आयरिस हैरी को मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। बेरी सभी को कहता है कि हमें जूम को पकड़ने के लिए डॉक्टर लाइट को चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा जैसा कि हैरी का प्लान है। तो जे उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जूम बहुत खतरनाक है। तो बेरी उसे कहता है कि मैं पहले भी रिवर्स फ्लैश का सामना कर चुका हूँ, इसीलिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो जे उसे कहता है कि तुम मुझसे तेज हो सकते हो, लेकिन तुम जूम से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं उससे अकेले नहीं लड़ूंगा, तुम सभी मेरे साथ हो, लेकिन जे अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता। और वो सभी को कहता है कि हैरी के भी उतने ही सीक्रेट्स हैं जितने कि अर्थ वन के हिसन वेस के थे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्को कॉफी शॉप में काम करने वाली एक लड़की केंद्रा को डेट पर जाने के लिए मना लेता है और वो उसे अपना नंबर देती है। सिस्को इस बारे में बेरी को बताता है जिससे वो भी खुश होता है। फिर वो सभी सिस्को की पावर की वजह से उसे वाइब नाम देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हैरी उन पर नजर रख रहा होता है। वही हमें अर्थ 2 में दिखाया जाता है कि जूम ने हैरी की बेटी जेसी को बंदी बनाया होता है। जेसी जूम को कहती है कि मेरे डेट सबसे इंटेलिजेंट इंसान है, इसीलिए वो मुझे ढूंढ लेंगे और फिर वो तुम्हें मार डालेंगे। तो जूम उसे कहता है कि मैं कभी नहीं मरता और अब मुझे ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा और तुम्हारे डेट का क्या करना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।